मई को कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिए थे। घायल युवक का इलाज KGMC लखनऊ अस्पताल में इलाज चल रहा, जिसकी आज इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजन आक्रोशित में आकर रोड जाम कर दिए। पूरा मामला जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार का है। परिजन जैसे ही युवक की मौत की खबर सुनते हैं तो परिवार में शोक की लहर दौड़ उठी और उसका गोरखपुर मार्ग जाम कर दिए और प्रशासन का मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई, जिसमें आम जनमानस को काफी समस्या उत्पन्न हुई। मृतक युवक का भाई का कहना है कि उसी गांव के निवासी एक व्यक्ति ने नदी के किनारे ले जाकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं मृतक के भाई ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। वहीं CEO सदस्य सुजीत कुमार का कहना है कि मारपीट के दौरान युवक को काफी चोट लग गई थी। हालांकि परिजन को समझा कर रोड को खाली कराया गया और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर, हमारा गांव उसका बाजार लोहिया नगर है, परती में। हमारा छोटा भाई था, 24 तारीख को बाहर से रात को आया है। उसको 25 तारीख को यहाँ पे लेटरिंग करने आया पुल के पास में, उसको चाकू से मारे हैं। और ये मंतु प्रधान का लड़का और एक काया देवी हमारे यहाँ का आंगनबाड़ी का है, उनका लड़का, ये सब उसको रिसीव करके सिखा के उसको मरवाए हैं। उसको मरवा के भगवा दिए हैं। आज 22-23 दिन हो गए, हम लोग नौगढ़ से रिफर हुआ गोरखपुर लेके गए, गोरखपुर से रिफर हुआ लखनऊ लेके गए। आज 22-23 दिन हो गए, हमारा भाई बचा नहीं, मर गया। अभी तक पुलिस दरोगा कोई गिरफ्तारी उसका नहीं किए है। आज हमारा भाई मर गया है तो दरोगा जी जाके उसके घर से एक लेडीज को ले जाके थाने में बैठाए हैं। कोई सुनवाई हमारा नहीं हो रहा है। वो जो घर पे थाने में बैठाए हैं और वो डेली गाड़ी दे रहा है जाके। आज हमारा भाई मर गया है, इसको साहब खाली तसल्ली दे रहे हैं, कोई काम कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम चक्का जाम किए हैं सर। अब आपका मांग क्या है प्रशासन? हमारा मांग है उसको हाजिर कीजिए, उसको गिरफ्तार कर दिए, उसको ले जाके सजा दीजिए। उससे पूछिए कि वो क्यों मारा है, उसका हमारा क्या दुश्मनी था। मृतक व्यक्ति के आपके यहाँ? हमारा छोटा भाई था, उसका घर का आदमी हमारे तीनों टाइम हमारे घर खाना खाता था, उससे हमारा कोई दुश्मनी नहीं था। एक दो बीघा उसको खेत भी दिए थे कि जाओ जो तो बहु तुम ले लेना, हमें कुछ मत देना। बाप के तरह उसका हम सेवा करते थे। उसका हमारा दुश्मनी था, क्या था वो हाजिर होके बता दे कि हम इसके लिए मारे हैं। ये दिनांक 25-3-2024 को करीब शाम को 4 बजे लोहिया नगर में एक मारपीट हो गई थी। सोनू यादव को चोट लग गई थी। सोनू यादव ने खुद अपनी शरीर थाना उसका बाजार पे उन्होंने दिया था। उस आधार पे शरीर के आधार पे मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना उसका बाजार में। उसमें उसकी तबीयत, उसको चोट ज़्यादा लग गई थी, उसका इलाज चल रहा था। आज सूचना प्राप्त हुई है कि इलाज के दौरान लखनऊ में उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उसी संदर्भ में कुछ लोग, उनके परिवारजन और उनके सहयोगीजन कुछ लोग आज एकत्रित हुए थे। सबको समझा बुझा दिया गया है। अभी उसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।